समय की बात है, बिरजू नाम का एक किसान था। बिरजू के खेत नहर से बहुत दूर थे। बिरजू को रोज दो घड़ों में नहर से पानी भरकर खेत तक ले जाना पड़ता था। लेकिन बिरजू बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि नहर के पानी से उसके खेत हरे भरे तो थे। लेकिन बिरजू की पत्नी दीपा को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि बिरजू को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। आप कितनी मेहनत करके इतनी दूर तक पानी लाकर इन खेतों को सींचते हैं। अब किसान हूँ तो खेती तो करनी पड़ेगी ना, और मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ कि मेरे खेत हरे भरे हैं। आप जो भी बोले, लेकिन मुझे आपकी ये मजदूरी बिल्कुल नहीं पसंद। बिरजू फिर भी रोज घड़ों से पानी लाता गया। एक दिन की बात है, बिरजू ने घड़े उठाए और उसने देखा कि एक घड़े के ऊपरी हिस्से में एक छेद हो गया था। लेकिन वो देख बिरजू मुस्कुराया। बिरजू घड़े लेकर नहर पर गया और रोज की ही तरह उसने घड़ों में पानी भरा और उन्हें अपने कंधों पर लाद कर लौटने लगा। जो घड़ा फूटा हुआ था उस घड़े में से पानी चूने लगा। लेकिन बिरजू फिर भी नहीं रुका। वो खेतों तक पहुंचा और उसने देखा कि एक घड़ा तो भरा हुआ है पर एक आधा खाली है। बिरजू ने बचे हुए पानी से खेत सींचा। हर रोज बिरजू को 6 बार घड़ों से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उसे 8 बार पानी लाना पड़ रहा था। ये देख उसकी पत्नी दीपा बोली, इस फूटे घड़े को फेंक क्यों नहीं देते? इससे तो सिर्फ आपकी मेहनत बढ़ ही रही है। तुम नहीं समझोगी इस फूटे घड़े का महत्व। वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। बिरजू फिर भी अपने दोनों घड़ों से खेत को सींचने के लिए पानी लाता रहा। फूटे हुए घड़े की वजह से जो पानी चू रहा था उससे रास्तों में फूलों के पौधे उगने लगे। ये देख बिरजू मुस्कुराया और जब वो वापस खेत लौटा, अब तो कम से कम एक नया घड़ा ले लीजिए, कब तक इस फूटे घड़े का इस्तेमाल करते रहोगे? चलो मैं तुम्हें इस फूटे घड़े की अहमियत बताता हूँ। बिरजू दीपा को उसी रास्ते ले गया। ये जो तुम्हारी दाई ओर फूल के पौधे देख रही हो वो उसी फूटे घड़े की बदौलत है। अगर उस फूटे घड़े से पानी ना छलकता तो ये फूल भी नहीं उगती, समझी? दीपा फूलों को देखने लगी और जैसे ही उसने एक फूल की पंखुड़ी छुई वो फूल खिल गया और उसमें से एक नन्ही सी परी बाहर आई। बिरजू, तुम बिल्कुल सही थे कि हर चीज जैसी होती है वैसी ही उसे स्वीकार करनी चाहिए। तुम्हारे उस फूटे घड़े की वजह से मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कुआं देती हूँ जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया दीपा। नन्ही परी उड़ गई। मैं नहीं कहता था कि वो फूटा घड़ा बहुत ही मूल्यवान है। हाँ जी, और आज उसी फूटे घड़े की वजह से हमारी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। हमें अपना खुद का कुआं मिल गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं जो जैसा है वैसा ही सही है। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का एक दुकान में काम किया करता था। दुकानदार बहुत ही लालची था।
उसे हर वक्त सिर्फ अपने मुनाफे की ही पड़ी होती थी। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता कि वजन से ज्यादा शक्कर तौल रहा है? निकाल, ज्यादा शक्कर अभी निकाल। अरे क्या लाला जी, थोड़ी सी तो ज्यादा है। थोड़ी सी है तो भी मेरा ही नुकसान है ना। अरे ओ भोला के बच्चे, बराबर तौला कर वरना चलता बन यहाँ से। भोला बहुत ही ईमानदार था, लेकिन दुकानदार के आगे उसकी एक ना चलती। ग्राहकों के उतरे हुए चेहरे देखकर भोला को बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दुकानदार और ग्राहकों की अक्सर बहस हुआ करती थी। लाला जी, इस चावल का दाम तो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा? इससे सस्ती करने से अच्छा है कि मैं चावल मुफ्त में ही बांट दूं। अरे लाला जी, बगल वाले गांव में यही चावल 10 रुपए किलो है और यहाँ 12 रुपए किलो है। तो जाके बगल वाले गांव से ही ले लो। एक तो मैं सारी चीजें तुम लोगों के लिए यहाँ रखूं अपनी दुकान में, और ऊपर से तुम लोगों की किटकिट भी सुनूं। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? वो चॉकलेट नीला वाला। निकालो 1 रुपया। 1 रुपया? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। पैसे नहीं है तो चॉकलेट लेने क्यों चले आते हो? काका, मुझे वो चॉकलेट दे दीजिए ना। चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने। उस बच्चे को उदास होकर जाता देख भोला को बहुत बुरा लगा। सेठ जी, आप उस बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, उसके पैसे मेरे आज के पगार से काट लीजिएगा। भोला, क्या तू पागल हो गया है कि उस बच्चे को मुफ्त में चॉकलेट खिलाना चाहता है? सेठ जी, आपको इसके पैसे मिल गए ना, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे अरे, सुनो। वो रहा। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। देव, प्रणाम। प्रणाम देव। भोला, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक छोटे बच्चे की इच्छा को महत्व दिया। तुमने अपने वेतन से उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। तुम्हारा दिल साफ है, तुम अपने नाम की ही तरह भोले हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? धन्यवाद देव, लेकिन मैं क्या मांगू? मेरी खुशी के लिए आपका दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है। वाह, तुम में लोभ ही नहीं है। अब तो हम तुम्हें आशीष दिए बगैर नहीं जाएंगे। देव, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जो चाहे मुझे आशीष दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये लो भोला। ये क्या है देव? ये जादुई चक्की है, इससे तुम जो मांगोगे वो खाने की चीज तुम्हें मिलती जाएगी, और जब तुम्हें वो चीज पर्याप्त हो जाए तो इसे रोक देना। एक और विशेष बात, ये जादुई चक्की सिर्फ तुम्हारा ही आदेश मानेगी और किसी का नहीं। अगर किसी और ने इससे कुछ मांगा तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। धन्यवाद देव। अरे नंदा, 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 देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है जी? ये जादुई चक्की है, जिससे हम जो खाने की चीजें मांगेंगे वो सब हमें मिल जाएगी। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो ये देखो, जादुई चक्की, मुझे दाल चाहिए। चक्की से दाल निकलती देख भोला और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ए जी, रोकिए इसे। अरे रे रे रे, रुक जाओ जादुई चक्की, रुक जाओ। ये तो चमत्कार है, लेकिन हम इतनी सारी दाल का करेंगे क्या? ए जी, एक काम करते हैं, थोड़ी हम रखते हैं और बाकी की आप बेच दीजिए, इससे थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। भोला भैया, क्या ये दाल बेच रहे हो?
हाँ भाई। क्या दाम है भैया? 1 रुपया किलो। बस इतना ही? एक काम करो, मुझे 10 किलो दे दो। ऐसा करते करते भोला ने जादुई चक्की से बहुत सारी चीजें बनाई और उन सब को अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान में बेचा। और वहां दुकानदार की दुकान का व्यापार मंदा हो गया था और इसका कारण था भोला की नई दुकान। पता नहीं ये भोला का बच्चा के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि उसने अपनी खुद की दुकान खोल दी। ऊपर से वो चीजों को इतने सस्ते में कैसे बेच रहा है? दाल में कुछ तो काला है। मैं भोला की दुकान का राज जानकर ही रहूंगा। अरे ये तो चमत्कार है, ये तो सचमुच एक जादुई चक्की है। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। भला मैं इतनी कीमती चीज भोला के हाथ में कैसे रहने दूं? रात के अंधेरे में दुकानदार ने जादुई चक्की चोरी कर ली। आखिर ये जादुई चक्की मेरी हुई। अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर इसे मैं चलाऊं कैसे? हाँ, भोला तो सिर्फ इसे आदेश देता है, जादुई चक्की मुझे चावल दो। अरे बेवकूफ चक्की, मैंने चावल मांगा था, रेत नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। जादुई चक्की सिर्फ भोला की बात मानती थी। बनिए को इस बात का पता नहीं था। बनिए के घर में रेत का ढेर बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा घर रेत से भरने लगा। अरे अरे मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना यह घर रेत से भर जाएगा। और इस तरह लालची दुकानदार रेत के ढेर के नीचे दब गया। और अगले ही दिन जादुई चक्की फिर से भोला के घर में पहुंच गई। भोला को फिर कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अच्छाई को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है, क्यों दोस्तों? हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।